दिल्ली में बढ़ते कोरोना पर पुलिस मुस्तैद है। डीडीएमए की गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। कनॉट प्लेस पर पुलिस टीम बाकायदा गाइडलाइन का अनाउंसमेंट भी कर रही है। न्यूज 24 संवाददाता विनय सिंह की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दरअसल आज 31 जनवरी है और दिल्ली पुलिस सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रही है। ये देखिए, मैं कनॉट प्लेस के एरिया में हूँ और कनॉट प्लेस के एरिया में पुलिस जो है आला अधिकारी खुद यहाँ मौके पे मौजूद हैं और साथ में गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ पर डीडीएमए की पूरी गाइडलाइंस का पालन किया जाए। इसको लेकर 10 बजे से पहले पहले सभी को कहा जा रहा है कि अपने अपने घरों में पहुंच जाएं, क्योंकि 10 बजे से कर्फ्यू है और पुलिस का पूरा एम्बुलेंस साथ में है, पुलिस का पूरा इंतजाम है, आप देख सकते हैं, ताकि कहीं पे भी कोई भी ऐसी घटना ना घट सके। क्योंकि डीडीएमए की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ कहा गया है कि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है, जिसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी भी खुद मौके पर मौजूद हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं, पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद हैं, भारी तादाद में जो है पुलिस पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। यहाँ तक कि DCP रैंक के अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर खुद मौजूद हैं, जो कि डीडीएमए की गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करवा रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ विनय सिंह, न्यूज 24, दिल्ली। इधर पुलिस की मुस्तैदी के बीच आपको बता दें, डीसीपी दीपक यादव से भी बात की हमारे संवाददाता विनय सिंह ने। 31st नाइट में खासकर सीपी में कनॉट प्लेस एरिया में, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, उसमें अच्छी खासी भीड़ रहती है, लेकिन इस बार डीडीएमए की गाइडलाइंस में साफ है कि कोई भी 10 बजे के बाद कोई भी सड़कों पर नजर नहीं आएगा। 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिसको लेकर आला अधिकारी खुद सड़कों पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सर, DCP साहब खुद सड़कों पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर पूरा मुआयना कर रहे हैं और ये अनाउंस किया जा रहा है बार बार कि 10 बजे तक लोग अपने घरों में चलेंगे। कोशिश करेंगे हम DCP साहब से बात करने की। सर नमस्कार। सर किस तरीके की तैयारियां हैं 31st के? आप देख ही रहे हैं तैयारियां, यहां पे बिल्कुल ना के बराबर भीड़ है, जो कि न्यू ईयर पे पूरा भरा रहता है कनॉट प्लेस। तो इसमें DDMA की जो गाइडलाइंस हैं, हम उनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली रुथलेसली एनफोर्स करा रहे हैं। कहीं पर कोई गैदरिंग नहीं होने दे रहे, और जितने भी रेस्टोरेंट्स और होटल्स बार्स हैं, सबके साथ हमारी पहले मीटिंग हो चुकी है, MWA के साथ मीटिंग हो चुकी है। हमने सबको बता दिया था टाइमली कि वो अपना शॉप है टाइमली बंद कर दें। मार्केट्स नियरली क्लोज्ड हैं, अब केवल जो रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक उनको परमिशन है, तो 10 बजे उनको भी क्लोज करा देंगे। लेकिन सर 31st नाइट पे हर साल देखा गया कि 10 बजे के बाद भी लोग सड़कों पर नजर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना का भी जो है डर है और उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर नजर आए, तो किस तरह की कार्रवाई करने की? देखिए, 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू है, अगर उसके बाद विदाउट रीजंस कोई अगर बाहर रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बिल्कुल परमिटेड नहीं है। तो ये DCP दीपक यादव थे, जो जिनका साफ कहना था कि 10 बजे के बाद अगर सड़क पर कोई भी नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी साफ है, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक जो DDMA की गाइडलाइंस के अनुसार कर्फ्यू लग जाएगा, और 31 जनवरी के दिन भी कनॉट प्लेस, जो कि दिल्ली का दिल है और लगातार यहाँ पर भीड़ रहती है, जबरदस्त भीड़ रहती है, वो भी अब बिल्कुल खाली नजर आ रहा है, और धीरे धीरे अभी 10 बजने वाले हैं और 10 बजे के बाद ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज 24, दिल्ली।